अलवर शहर के मुख्य बाजारों में विगत कई माह से जहां बढ़ते अतिक्रमण के चलते आम राहगीर से लेकर वाहन चालकों को इन बाजारों से गुजरते वक्त बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश बाजारों में वाहनों के अनियंत्रित हालातों में खड़ा होना आम बात हो चुकी है। इस बीच प्रशासन द्वारा कई बार शहर की पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने के तहत कंपनी बाग में पार्किंग स्थल बनाए जाने की बात की गई थी, वहीं समय समय पर उत्पन्न हो रही विभिन्न परिस्थितियों के चलते आज तक पार्किंग को लेकर कोई बेहतर हल नहीं निकाल पाए हैं। इस बीच अलवर जिला प्रशासन द्वारा एक बार फिर से शहर के बाजारों में अनियंत्रित हो रही पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नवीनतम बैठकों के माध्यम से नए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी अलवर न्यूज के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर डॉक्टर सुनीता पंकज ने कुछ इस तरह साझा की। इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि कल ही जिला कलेक्टर महोदय और सचिव नगर विकास न्यास के द्वारा जो है यहाँ के व्यापार मंडल के द्वारा मीटिंग की गई थी और इस संबंध में लगभग 40 करोड़ रुपए के बजट, क्योंकि कंपनी बाग के अंदर जो है पार्किंग के लिए कल भेजे जाने के संबंध में चर्चा हुई थी और उसमें जो कंपनी बाग समिति द्वारा जो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि उससे जो कंपनी बाग का जो स्वरूप है वो थोड़ा खराब हो जाएगा, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और व्यापार मंडल, क्योंकि मार्केट में जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ के लोगों को, पार्किंग की बहुत बड़ी और सबसे बड़ा जो हमें जो दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी जो है कंपनी बाग जो है, जैसे आप देखें जयपुर में भी रामनिवास बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग है और बाहर किसी भी तरह की कोई आप स्वरूप जो है उसका खराब नहीं हुआ है, तो उसी तरह हमारा प्रयास भी ये है कि जो कंपनी बाग का जो मूलभूत स्वरूप है उसमें बिना कोई छेड़छाड़ के बल्कि और अधिक उसको सुंदर बना के और अधिक पर्यावरण से उसको बना के हम ऐसा प्रयास करें कि अंडरग्राउंड पार्किंग करें। इस संबंध में कल मीटिंग रखी गई है और उम्मीद है कि जल्द ही उसका जो है स्वरूप जो है प्रतिभूत होगा।